हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रसोई क्रिएशन। आज मैं आपके लिए गाजर के मालपुए की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर 250 ग्राम गाजर ली हूँ। गाजर को अच्छे से छीलकर वाश कर लेना है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ सभी गाजर को कट कर ली हूँ। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधा कप के इतना, जिससे ये आसानी से पीस सके, क्योंकि गाजर हार्ड होते हैं। तो अब हम जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ गाजर को ग्राइंड कर ली हूँ। इसमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं हैं। अब हम इस प्यूरी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं प्यूरी को बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर हाफ कप सूजी ले रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सभी को अच्छे से। अब हम हाफ कप मैदा लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच चीनी ले रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब लास्ट में सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल सके। तब तक हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक बर्तन में 1.5 कप चीनी लेंगे और अब 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इलायची के दाने को भी निकाल कर डाल सकते हैं। एंड एक चुटकी सैफ्रन का इस्तेमाल करेंगे फ्लेवर के लिए एंड नेचुरल कलर के लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है। हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक वो हल्की चिपचिपी नहीं हो जाती, शहद जैसी। तो लगभग 7-8 मिनट में चाशनी यहाँ हल्की चिपचिपी हो गई है। हम चेक करते हैं तो इसका टेक्सचर बिल्कुल शहद के जैसा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब अगेन हम एक बर्तन में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, आगे की तैयारी करते हैं। तो 15 मिनट में सूजी यहाँ अच्छे से फूल गया है, लेकिन ये अभी काफ़ी गाढ़ा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर लेते हैं। तो मुझे इस बैटर को बनाने में टोटल आधा कप पानी लगा है। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बैटर है। जब हम इसे ऊपर से गिराएं तो ये एक धार में गिरनी चाहिए। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से। तो कलर यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें, हमें बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम इसे भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम एक टूथपिक लेंगे और उसे तेल में डालेंगे। तो देखिए, तेल में हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए। तो अब हम इसमें बैटर डालते हैं। तो एक जगह सेंटर में डालें, ये आराम से गोल का शेप ले लेगा। तो इतने तेल में हमारे 3 मालपुआ अच्छे से तल जाएंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और पुआ को अच्छे से सिकने देंगे। तो
तो तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसे पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मालपुआ कितना अच्छा से फूल गया है। अब हम इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट पकने देंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारा बनाकर तैयार कर लेना है और चाशनी में डालना है। तो मैं यहाँ सारा बनाकर तैयार कर ली हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।